अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज एक और मौजू के साथ हाज़िर हूँ कि किस तरह हमने गंदम जो लगाए हैं मटर की ज़मीन में उसको बेहतर बनाना है, उसके रिज़ल्ट जो है हमारे साथ अच्छे से अच्छे आए। तो उसके लिए मैं कुछ ट्रिक्स लेके आया हूँ और मैं ख़ुद भी उसको यूटिलाइज़ कर चुका हूँ, जिसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। ये पीछे देख लो, ये मेरे गंदम है, बड़े आउटस्टैंडिंग, और इसकी वजह यह है कि वो इसके पीछे वो ट्रिक्स है। तो ट्रैक्स कुछ यूँ हैं कि जब आप मटर लगाते हैं तो ज़ाहरी बात है महीना डेढ़ तो लेट ही हो जाते हैं गंदम। तो आपने सबसे पहले जो काम करना है वो मटर की जो बेल होती हैं उसको खटर लगा देना है उसी ज़मीन में, ताकि वो भी खाद बन जाए। दूसरी बात यह है कि आपने हल्की फुल्की जो भी खाद डालनी है वो डाल दें। जब आप डालोगे पानी वगैरह पिला के, आपने गंदम में जो स्प्रे मारनी है मटर की ज़मीन पर, वो थोड़ी सी हल्की सी मारनी है, ज़रा टाइट ना हो, ज़रा मतलब डेंजरस ना हो, हल्की सी स्प्रे हो। ये काम करके, जब ये काम करके रहोगे तो इंशाल्लाह आपकी गंदम तो पहले से भी अच्छे होंगे। क्यों, आपने ये जो बेल होते हैं मटर की, आपने उसको उसकी कटाई की होती है। जो जो अगला काम करना होता है वो आपने ये करना होता है कि जब घास ख़त्म हो जाए तो आपने जो काम करना है वो ये करना है कि आपने यूरिया का छिड़का देना है, यूरिया हल्का फुल्का डाल देना है, जो भी डालना है यूरिया। लेकिन आपको एक चीज़ और भी बताऊं, जो ग्रीन वाला यूरिया है ना जो गवर्नमेंट देती है, वो यूरिया आपने कभी नहीं डालनी। आपने जो यूरिया डालना है वो अगर सोना यूरिया या जो भी आपको अवेलेबल हो, लेकिन ग्रीन वाला नहीं, उसका रिज़ल्ट बिल्कुल ज़ीरो है। उसके बाद जब आप वो डालोगे और वतर हो ज़मीन में, तो आपने ताकत की दो मरतबा स्प्रे मार देने हैं। एक यूरिया के बाद जब यूरिया लगाओगे तो उसके फ़ौरन बाद वतर, जब वतर हो उसके फ़ौरन बाद आपने स्प्रे लगा देने हैं, ताकत की कोई भी हो, जिंक हो या जो भी हो, आपको जो मुनासिब लगे। और उसके बाद जब सटे निकाल दे गंदम, सटे निकालते वक्त आपने जो स्प्रे मारनी है वो ये कि आपने स्प्रे लगा देने हैं। लोग समझते हैं कि भाई ये गलत काम ये इस तरह, लेकिन ये काम मैंने ख़ुद यूटिलाइज़ किया और इसका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आएगा। क्यों, उस टाइम गंदम को खुराक की ज़रूरत होती है, आराम लोग उस टाइम खुराक नहीं देते गंदम को, खादे नहीं प्रोवाइड करते। तो आपने प्रोवाइड करना है, स्प्रे लगा दें, ठीक है जी। जब ये काम करके रहोगे ना, इंशाल्लाह आपका जो रिज़ल्ट होगा बड़ा आउटस्टैंडिंग आएगा, बड़ा मज़ा आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ रहेंगे।